नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं अंकित कुमार साहू राजवीर, और बात करने जा रहा हूं आपसे मैं कुछ इंडियन राइटर्स के बारे में। दोस्तों, ये इंडियन राइटर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी कमला दास के बारे में और फिर मुल्क राजानंद के बारे में, मैं दो लोगों के बारे में बता चुका हूँ। पीजीटी का जो आपका दोस्तों सिलेबस है उसको मैंने काफ़ी कवर कर लिया है। जो दो चार राइटर्स आपके बचे हैं अमेरिकन हैं, वो मैं उनको एक या दो दो दिन में कवर कर दूंगा, क्योंकि मैं दो पर डे कवर करता हूं। दोस्तों, मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत नज़दीक है, इसीलिए मैंने जो भी चीज़ें बनाई हैं दोस्तों वो एकदम बिल्कुल नटशेल में है, छोटे से में है, थोड़े भाग में ही हैं। और उस थोड़े से भाग में मैंने उन सारी पॉइंट्स को कलेक्ट करने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो मैंने फोकस किया वो पीजीटी यूपी पीजीटी के आपके एग्जाम को ध्यान में रख करके, क्योंकि जिसमें इसमें से यूपी पीजीटी में जो भी आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनके अकॉर्डिंग मैंने अपना जो है वीडियो प्रिपेयर किया है, वो लेक्चर प्रिपेयर किया है कि कौन सी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। दोस्तों, तो चलिए हम आज इन्जॉय करेंगे मुल्क राज आनंद जी के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आई होप दोस्तों कि यू ऑल ऑफ यू थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर जानते होंगे आप मुल्क राज आनंद जी के बारे में, क्योंकि मुल्क राज आनंद जी का जो बैकग्राउंड रहा, जो उन्होंने राइटिंग करी, तो इसके लिए इन्हें चार्ल्स डिकेंस ऑफ समटाइम ये कहा जाता है कि ये चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया हैं। दूसरा, ये फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नावल, मतलब ये फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नावल भी जाने जाते हैं। दोस्तों, चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया कहने के पीछे एक वजह रही दोस्तों, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस ने, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में भी बताया था चार्ल्स डिकेंस वाले में, कि उन्होंने डिपिक्ट किया है किसको, एक चिल्ड्रन सोसाइटी को और डाउन ट्रोडन सोसाइटी को, पुअर क्लास को, लेबर क्लास को। दोस्तों, मुल्क राज आनंद जी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इनके ऊपर जो इम्प्रेशन रहा वो मतलब कुल मिलाकर के जो गरीब लोगों के बारे में, डाउन ट्रोडन पीपल्स के बारे में, पुअर सफरिंग के बारे में, उनकी कुछ घरेलू समस्याओं के बारे में, इन सारी चीज़ों को बात किया जाए, या फिर अनटचेबिलिटी जैसा कोई पार्ट रहा हो, या तो फिर किसी बात को प्रूव्ड करने जैसी बात की हिपोक्रेसी सोसाइटी में कैसी है। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके मुल्क राज आनंद जी डील करते हैं। दोस्तों, हम वैसे तो कोई भी राइटर हो, आथर हो, मुझे पता है कि आप लोगों ने इतना ज़रूर पढ़ा होगा कि आप किसी भी राइटर या पोएट के मतलब इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। दोस्तों, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको कुछ ना कुछ उस राइटर या पोएट के बारे में दोस्तों बताऊं। तो चलिए हम आज जानते हैं मुल्क राज आनंद जी के बारे में। दोस्तों, जो मुल्क राज आनंद जी पैदा हुए थे, ही वाज बोर्न 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर। पेशावर में पैदा हुए थे 12 दिसंबर 1905 को दोस्तों। और ये पेशावर तो आजकल आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान में है, क्योंकि जब मतलब ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे उस समय भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न नहीं था दोस्तों 1905 में, तो उस समय मतलब ये पैदा हुए पेशावर में। और ये जो थे, ये ही बिलोंग्स टू क्षत्रिय फैमिली, यानी ये क्षत्रिय फैमिली से थे, एक ठाकुर परिवार से थे। हिज फादर लालचंद वाज हेड क्लर्क इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। और इनके जो फादर थे दोस्तों, वो लालचंद, इनके फादर जो थे वो हेड क्लर्क थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, यानी एक हेड क्लर्क के पोस्ट पर वो थे। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए आप इस पर फोकस करें कि जो इनके फादर थे लालचंद, वो हेड क्लर्क थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। दोस्तों, ये क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। 12 दिसंबर 1905 यानी 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में आनंद जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आगे देखते हैं, ही स्टडाइड इन खालसा कॉलेज एंड इन पंजाब यूनिवर्सिटी। दोस्तों, तो उस समय ये जब ये पेशावर में थे तो वहाँ पर खालसा कॉलेज में इन्होंने स्टडी की अपनी, और फिर बाद में इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसके बाद जो है ये लंदन चले गए, तो लंदन यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा इन्होंने, और कैम्ब्रिज से दोस्तों इन्होंने अपनी PhD कम्प्लीट की। तो दोस्तों, जो इनका जो मतलब इनका जो कुल मिला के एजुकेशन बैकग्राउंड रहा, वो एजुकेशन बैकग्राउंड ठीक रहा, बढ़िया इन्होंने एक एजुकेशन ली, और एजुकेशन लेते लेते ही इन्होंने कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश की। दोस्तों, कुछ पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पर देखें, जैसे कि जब ये खालसा कॉलेज में पढ़ रहे थे तब उन्हें इन्हें उनसे प्यार हो गया था किसी से, और वो कौन थी, वो थी एक मुस्लिम गर्ल जिसका नाम था यास्मीन। ये जो मुस्लिम गर्ल यास्मीन थी, इससे मुल्क राज आनंद जी को प्यार हो गया था, वो भी जब वो खालसा कॉलेज में पढ़ते थे दोस्तों। और वो जो यास्मीन थी दोस्तों, तो वो ऑलरेडी मैरिड थी,
और फिर इन्होंने मुल्कराज आनंद जी ने और यास्मीन ने दोनों ने मिलकर के भागने का प्लान किया। और जब ये बात उसके शौहर यानी कि उसके पति को, उसके हस्बैंड को पता चली, तो उसने यास्मीन का मर्डर कर दिया दोस्तों, उसने मार दिया यास्मीन को। वहाँ से इनके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन पड़ा समाज का कि केवल समाज में ये जो छुआछूत, समाज में जो जाति भेदभाव है, समाज में जो ऊंच नीच का ये फ़र्क है, इन सारी चीज़ों ने उनको वहाँ से प्रभावित किया दोस्तों। एक इनकी ज़िंदगी का और इंसिडेंट था, इनकी एक आंट थी और आंट ने जो है किसी मुस्लिम परिवार में उसने जो है एक्चुअली में मील ले लिया था, मतलब उन लोगों ने साथ में बैठकर खा लिया होगा। तो इनकी जो आंट थी उनकी इनकी आंट को घर से निकाल दिया गया था। और ये इम्प्रेशन दोस्तों इनके लिए काफ़ी था, क्योंकि ये इम्प्रेशन जो था ना एक्चुअली में, तो ये जातिवाद का, धर्म का, इन सारी चीज़ों का जो मतलब एक कुल मिलाकर के संकीर्णता थी, समाज की जो संकीर्णता थी, उस संकीर्णता में जकड़े हुए समाज को ये चाहते थे मुल्कराज आनंद जी की इस ये समाज जो है, समाज की इन बुराइयों से किसी ना किसी तरीके से निपटा जाए दोस्तों। ही वेंट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन ऑन ए स्कॉलरशिप। और जब ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन गए थे दोस्तों, तो ये एक स्कॉलरशिप पर गए थे, इनको एक स्कॉलरशिप मिली थी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन के लिए, वहाँ पढ़ने के लिए दोस्तों। अगले पॉइंट पर आते हैं, हिज राइटिंग कंसर्न जो है, हिज राइटिंग कैरियर, इनका जो राइटिंग का दोस्तों कैरियर है वो कब बिगिन हुआ, इंग्लैंड में विथ द पब्लिकेशन ऑफ सॉल्ट रिव्यू इन द क्राइटेरियन। दोस्तों इनका जो राइटिंग करियर जो है इनका शुरू होता है इंग्लैंड में, और इन्होंने कहाँ से शुरू किया था, इन्होंने पब्लिश किए थे सॉल्ट सॉल्ट अपने रिव्यूज को, इन्होंने कुछ सॉल्ट रिव्यूज जो है पब्लिश किए थे, जो एक क्राइटेरियन नाम की दोस्तों वो थी पत्रिका थी, उस पत्रिका में, क्राइटेरियन नाम की पत्रिका में इन्होंने अपने सॉल्ट रिव्यूज जो है अभिव्यक्त किए थे दोस्तों। जो क्राइटेरियन नाम की ये पत्रिका, ये T.S. इलियट से संबंधित है, ये आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों। और T.S. इलियट की जो वेस्टलैंड बेहतरीन पोएम है, इसी द क्राइटेरियन में ही दोस्तों पब्लिश हुई थी, और वेस्टलैंड पब्लिश हुई थी 1922 में दोस्तों। अगले पॉइंट्स को हम देख लेते हैं, ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी। दोस्तों उनके ऊपर गांधी का प्रभाव था, टैगोर का प्रभाव था, इंडियन फिलोसफीज का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उधर देखिए आपके वो दोस्त भी थे ई एम फॉस्टर के, तो इन सारी चीज़ों का उन पर एक गहन प्रभाव था, और समाज का, सोसाइटी का तो प्रभाव था ही। गांधी का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसलिए था गांधी जी का, क्योंकि एक्चुअली में जो गांधी जी भी थे वो भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे, वो हरिजन को सपोर्ट करते थे, लेकिन समाज जो था वो एक्सेप्ट नहीं करता था दोस्तों। इन 1932 और 1932 में ही केम इंडिया, वो वापस जब आ गए, इंडिया वापस आए और स्टेड इन साबरमती आश्रम। और फिर जब ये इंडिया दोस्तों वापस आए ना, तो ये साबरमती आश्रम में रहे, 1932 में आए थे ये इंडिया, और वहाँ पर ये साबरमती आश्रम पर दोस्तों ठहरे, साबरमती आश्रम जो बापू का था, और वहाँ पर ही इन्होंने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट, जो इन्होंने अनटचेबल नाम का जो वर्क लिखा दोस्तों, 1935 में आता है अनटचेबल, 1935 में जो आया उसकी जो इन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट तैयार कर रखी थी, उसको इन्होंने वहाँ पर दोहराने की कोशिश की। तो 1932 में वापस आए, साबरमती आश्रम में रहे, और वहीं पर इन्होंने अनटचेबल जो इनका वर्क है, जो 1935 में बाद में पब्लिश हुआ, उसको इन्होंने रिवाइज्ड किया था दोस्तों। अनटचेबल वॉज पब्लिश्ड इन 1935, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1935 में जो है अनटचेबल का पब्लिकेशन हुआ था। और इनकी जो जो कुल मिला के हर्ट, देखिए दोस्तों जो है ना, हर्ट रेंचिंग नॉवेल टू लीव्स एंड अ बर्ड, यानी कि हर्ट रेंचिंग एक नॉवेल इनका जो है द टू लीव्स एंड अ बर्ड, जिसकी चर्चा मैं अभी आगे भी करूँगा, आगे भी मैं इसके कुछ पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊँगा दोस्तों। ये हर्ट रेंचिंग नॉवेल जो है टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये जो इनका दिया हुआ है 1937 में, एक्चुअली में दोस्तों 36 के बाद 37 में पब्लिश हुआ था। किसके बाद, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि 1935 में इनका अनटचेबल पब्लिश हुआ था दोस्तों, कभी ना भूलें, क्योंकि अनटचेबल से क्वेश्चन मस्ट बनता है दोस्तों, क्योंकि भी अनटचेबल के बारे में आगे भी बात करूंगा और डिटेल में भी दोस्तों इसी वीडियो में अभी बताऊंगा आपको। दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले कुछ उनके मेजर वर्क्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, इनके बारे में मैं डिटेल में तो आपको बताऊंगा ही। जैसे 1935 में तो अनटचेबल पब्लिश हुआ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और जो है एक्चुअली में 1935 में, देखिए नीचे दिया हुआ भी है कि 1935 में दोस्तों अनटचेबल जो है पब्लिश हुआ था 1935 में। और उसके बाद 1936 में इनका दूसरा नॉवल पब्लिश हुआ, जिसका नाम है कूली,
और फिर तीसरा वर्क जो है 1937 में दोस्तों, अ लीव्स एंड अ बर्ड, ये इनका पब्लिश हुआ दोस्तों। इन्होंने एक ट्रिलॉजी भी लिखी थी दोस्तों। इस ट्रिलॉजी में, ट्रिलॉजी हमेशा ही तीन वर्क्स की होती है, और इस ट्रिलॉजी में पहला वर्क है विलेज, दूसरा वर्क है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, और जो इनका तीसरा और महत्वपूर्ण वर्क है द स्वॉर्ड एंड द सिकल, यानी कि द विलेज और अक्रॉस द ब्लैक वाटर और द स्वॉर्ड एंड द सिकल, इनके तीन वर्क हैं। ये जो है मुल्क राज आनंद की ट्रिलॉजी के रूप में जानी जाती है दोस्तों। अगले पॉइंट पर हम आते हैं, द बिग हर्ट 1945 में दोस्तों पब्लिश हुआ था। बिग हर्ट एक वर्क है इनका जो 1935 में पब्लिश हुआ था। लैमेंट ऑन द डेथ ऑफ ए मास्टर ऑफ आर्ट 1939 में दोस्तों आया हुआ था। लैमेंट ऑन द डेथ ऑफ ए मास्टर ऑफ आर्ट जो 1939 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। अगले वर्क को देख लेते हैं हम, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953 में दोस्तों पब्लिश हुआ था। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस की जो पब्लिश हुआ था दोस्तों, वो 1935 में पब्लिश हुआ था। अगला है वो दोस्तों, सेवन समर्स इनका वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। 1951 में इनका पब्लिश हुआ था दोस्तों, 1951 में, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण इस पेज में जो वर्क हैं, तो दोस्तों उनमें से आप याद रखेंगे किसको किसको, मैं आप पे पॉइंट किए दे रहा हूँ दोस्तों अभी, कि सबसे पहले आप याद रखेंगे अनटचेबल जो 1935 में पब्लिश हुआ था दोस्तों, क्योंकि इसमें ये जो 50 लास्ट में लगा हुआ है ना, ये धोखे से दोस्तों लिख गया, इसको काट देते हैं हम। 1935 में ये पब्लिश हुआ था अनटचेबल। और उसके बाद दोस्तों इनका दूसरा वर्क जो आया था वो कूली था 1936 में, और 1937 में टू लीव्स एंड अ बर्ड ये वर्क आया था दोस्तों। इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट वर्क है वो प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये वर्क आया था इनका, और इसके बाद जो दोस्तों आया वो सेवन समर्स 1951 में। तो इस तरीके से इनके जो तीन वर्क जिन पर मैंने पॉइंट किया, अनटचेबल, कूली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, और उसके बाद प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, यानी कि ये चार वर्क है दोस्तों, इनको आप बिल्कुल याद कर लें कि कौन कब पब्लिश हुआ था दोस्तों। आते हैं हम अगले पेज पर और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स दोस्तों। जैसे ही गॉट मैरिड विद एक्ट्रेस कैथलीन वैन गिल्डर, कैथरीन वैन गिल्डर नाम की एक एक्ट्रेस थी दोस्तों, जिससे उन्होंने शादी की थी 1938 में। लेकिन दोस्तों ये शादी जो थी ना, ओनली 10 साल चली, अनसक्सेसफुल थी, और 10 साल में ही इनका डाइवोर्स्ड हो गया था। 9-10 साल में ही दोस्तों डाइवोर्स हो गया था। जैसे कि इन्होंने देखिए 1938-39 में दोस्तों इन्होंने शादी की थी। विकीपीडिया एक्चुअली कहती है कि ये 1939 था दोस्तों, लेकिन जिस बुक को मैंने रेफरेंस लिया, जहाँ से मैंने पढ़ा, जहाँ से मैंने जाना, तो उसमें 1938 भी दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों विकीपीडिया की आप माने, इस पॉइंट को आप 39 ही माने, कि उन्होंने कैथलीन वैन गिल्डर जो एक एक्ट्रेस थी दोस्तों, उनसे इन्होंने शादी की थी 1939 में दोस्तों। और इन्होंने फिर इसके बाद जो है इनका डाइवोर्स जो हुआ था वो 1948 में इनका डाइवोर्स्ड हो गया था दोस्तों। इन्होंने एक गिल्डर से डाइवोर्स ले लिया था, बल्कि इससे उनको एक लड़की भी हुई थी। मुल्कराज की जो ट्रिलॉजी है, इसके बारे में दोस्तों मैं आपको अभी ही बता चुका हूँ पिछले अपने स्लाइड में, कि जो मुल्कराज आनंद ने एक ट्रिलॉजी लिखी, उसमें से है आपका द विलेज जो 1939 में आया था, फिर एक अक्रॉस दी ब्लैक वाटर्स जो है 1940 में आया था दोस्तों, और इसके बाद जो अगला वर्क था स्वॉर्ड एंड दी सिकल, ये जो 1942 में आया था दोस्तों। तो ये तीन वर्कों का जो है इनका एक ट्रिलॉजी थी दोस्तों। अगले पॉइंट्स पर हम आ जाते हैं, दिस ट्रिलॉजी इज ऑल अबाउट अ रिबेलियंस एडोलसेंट एंड हिज एक्सपीरियंस इन वर्ल्ड वार सेकेंड दोस्तों। ये जो ट्रिलॉजी है, तो ट्रिलॉजी का सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? तो इस ट्रिलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि इसमें जो इन्होंने दिखाने की कोशिश की है मुल्कराज आनंद जी ने, एक एडोलसेंट रिबेलियन है, रिबेलियन की जो है एक कहानी है, जिसका वर्ल्ड वार सेकेंड में उसके क्या अनुभव थे, उस पर आधारित ये पूरी की पूरी ट्रिलॉजी है दोस्तों। वर्ल्ड वार सेकेंड में एक एडोलसेंट की जो है रिबेलियस, जो है एक रिबेलियस एडोलसेंट की एक कहानी पर बेस्ड इनकी ये दोस्तों ट्रिलॉजी है, जो वर्ल्ड वार सेकेंड की मतलब इंसिडेंट पर बेस्ड है। अगले पॉइंट पर आते हैं, आनंद वर्कड, आनंद ने कार्य किया था एज ए ब्रॉडकास्टर। उन्होंने आनंद ने जी ने यानी मुल्कराज आनंद जी ने कार्य किया था एक ब्रॉडकास्टर के रूप में।
ये ब्रॉडकास्टर कौन होते हैं दोस्तों? ये जो ब्रॉडकास्टर जो मतलब जैसे समाचार पत्र वगैरह यानी कि जो प्रसारण करते हैं, प्रसारण केंद्र में जो काम करते हैं उन्हें ब्रॉडकास्टर कहते हैं। ये ब्रॉडकास्टर का दोस्तों इन्होंने काम किया था और स्क्रिप्ट राइटर भी थे दोस्तों। कहाँ पर? वो भी एक रेनाउंड, बहुत ही रेनाउंड जगह पर, बीबीसी लंदन में। बीबीसी लंदन में दोस्तों इन्होंने, मुल्कराज आनंद जी ने, ब्रॉडकास्टर के रूप में और एक स्क्रिप्ट राइटर के रूप में दोस्तों इन्होंने काम किया था। अगले पॉइंट पर हम आते हैं, ही फाउंड मार्ग अ मैगजीन। एक मार्ग नाम की पत्रिका दोस्तों उन्होंने जो है फाउंड की, यानी कि इसको इस्टेब्लिश किया 1946 में। ये एक मैगजीन है, मार्ग नाम की जो पत्रिका है, इस पत्रिका इन्होंने दोस्तों संपादन किया 1946 में। इन 1950 ही गॉट मैरिड विथ सिरिन वाजिबदार। सिरिन वाजिबदार से दोबारा इन्होंने शादी की, दूसरी शादी जो इन्होंने की। पहली शादी इन्होंने 39 में की थी, क्योंकि विकिपीडिया 39 ही कहता है, इसीलिए हम 39 ही उसको मानते हैं। और 1950 में फिर दोस्तों इन्होंने दोबारा शादी की, वाजिबदार से इन्होंने शादी की थी, सिरिन वाजिबदार। और सिरिन वाजिबदार जो थी वो दोस्तों एक डांसर थी, और जो पहली इनकी वाइफ थी वो एक एक्ट्रेस थी दोस्तों। अगले पॉइंट पर हम आते हैं कि ललित कला अकादमी जो 1965 से 70 के बीच, ललित कला अकादमी के ये चेयरमैन के रूप में दोस्तों मुल्कराज आनंद जी ने कार्य किया। यानी मुल्कराज आनंद जी ने चेयरमैन के रूप में 1965 से 70 के बीच में ललित कला अकादमी में इन्होंने कार्य किया दोस्तों, यानी इस पद पर ये नियुक्त रहे। अगला पॉइंट है कि लोकायता ट्रस्ट, लोकायता ट्रस्ट है एक जिस पर इन्होंने, जिसको ज्वाइन किया था इन्होंने 1970 में। यहाँ से जब ललित कला अकादमी से ये रिटायर हुए तो यहाँ से इन्होंने लोकायता ट्रस्ट ज्वाइन किया 1970 में। वहाँ पर जो है ये प्रेसिडेंट के पद पर रहे, यानी कि जो इनकी पोजिशन थी दोस्तों लोकायता ट्रस्ट में वो थी इनकी प्रेसिडेंट की दोस्तों। अगले पॉइंट पर को देखें, मॉर्निंग फेस जो 1968 में पब्लिश हुआ था दोस्तों, जो मॉर्निंग फेस है इनका वर्क, एक मॉर्निंग फेस जो 1968 में पब्लिश हुआ। और इसकी जो एक कहानी है इसके लिए दोस्तों इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 1971 का। जो 1971 का इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था वो किस वर्क के लिए मिला था? मॉर्निंग फेस के लिए। और मॉर्निंग फेस दोस्तों कब पब्लिश हुआ था? 1968 में मॉर्निंग फेस पब्लिश हुआ था। और दोस्तों इस मॉर्निंग फेस में कहानी क्या है? इसमें कहानी है कश्मीरी माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम्स को लेकर के दोस्तों इन्होंने मॉर्निंग फेस को डील किया है। इसके बारे में मैं आगे भी अभी आपको मॉर्निंग फेस के बारे में बताऊंगा। इनको एक पद्म विभूषण से जो है, जो सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है नागरिकता का, पद्म भूषण से इन्हें नवाजा गया था 1967 में। और 1968 में इनका मॉर्निंग फेस आया था दोस्तों, एक साल बाद ही जब इनको पद्म भूषण मिला, उसके बाद 1968 में इनका मॉर्निंग फेस आया। और उसके बाद दोस्तों 1971 में इन्हों साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। तो पद्म भूषण मिला था इनको 1967 में दोस्तों, और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1971 में दोस्तों। इनको बिल्कुल याद रखें। और जो पद्म भूषण दिया गया था इनको, तो लिटरेचर और एजुकेशन के लिए इनको दिया गया था, क्योंकि लिटरेचर और एजुकेशन में इनका जो योगदान है पुअर क्लास को डिपिक्ट करने का, पुअर क्लास की सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रखने का, उनके बारे में एडवोकेसी करने का, इसके लिए इनको दोस्तों पद्म भूषण से नवाजा गया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। इनका वर्क है दोस्तों जो 1953 में पब्लिश हुआ था, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस ये जो वर्क है, जो ये आया था 1953 में दोस्तों। अगले पॉइंट्स पर हम आते हैं, जो इनका वर्क है इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जान जाते हैं, देखिए क्योंकि ये जो वर्क है इनसे कई क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों। जो इनका अनटचेबल वर्क है, तो अनटचेबल वर्क के बारे में आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि अनटचेबल एक कहानी है दोस्तों, जिसमें लाखा, मतलब लाखा नाम का एक व्यक्ति है, उसकी दो संतानें हैं, एक का नाम है भाखा। यानी कि दोस्तों अनटचेबल 1935 में जो आया इनका पहला नॉवेल था, और ये जो है इसमें लाखा नाम का एक व्यक्ति है, उसके दो संतानें हैं, एक का नाम है भाखा और दूसरी लड़की है यानी कि जिसका नाम है सोहिनी दोस्तों। जो भाखा का काम है, तो भाखा जो है टॉयलेट साफ करने का काम, टॉयलेट क्लीनिंग का काम करता है दोस्तों। और ये जो कालीनाथ जी हैं, इसमें एक करेक्टर हैं, ये कालीनाथ जी जो है मंदिर के पुजारी हैं, और सोहनी इनकी बहन है,
और जो है हचिंस्टर कॉलोनल हचिंसन भी एक इसमें कैरेक्टर है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पूछे नहीं जाते। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो ऐसे पूछा जाता है कैरेक्टर कि लाखा कौन है, तो वो भाखा के पिता है, भाखा कौन है, लाखा का बेटा है, और सोहनी कौन है, भाखा की बहन है और लाखा की पुत्री है। इस बात को आपको जानना है दोस्तों। वो जो क्लीनिंग कर टॉयलेट क्लीनिंग वगैरह जो है भाखा काम करता है, और उनकी लैंग्वेज भी एक्चुअली में बिल्कुल, अब जैसे कि उनका जो काम है उसी तरीके से तो उनकी लैंग्वेज होगी। ये वहाँ पर काम करता रहता है, एक दिन इससे कुछ गलती हो जाती है भाखा से, तो सोहनी जो है जाती हैं तो मंदिर को थोड़ा सा छू लेती हैं, तो वहाँ से दोस्तों एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। वो और बात बड़ी सामने ये आती है कि सोहनी को काली नाथ जी बुलाते हैं उसको मिलने के लिए, अकेले में आओ मिलो, और मिलने के लिए बुलाते हैं और उसके साथ अभद्रता करते हैं। तो अनटचेबल की देखिए, एक तो सरफेस लेवल में हम देखते हैं कि जो भाखा जो है टॉयलेट क्लीनिंग का काम करता है, यानी कि बहुत ही नीची जाति से है ये माना जाता है, सोहनी नीची जाति से, लाखा भी नीची जाति से हैं। तो एक तो देखिए ये टॉयलेट क्लीनिंग का काम तो कर ही रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर इनको अछूत दिखाया गया। लेकिन पंडित जो कालीनाथ जैसे लोग हैं वो चाहते हैं कि वो इनकी बहन के साथ कुछ गलत करें। तो ये समाज की कैसी मतलब वो है मर्यादा है, इन सारी चीज़ों को अनटचेबल जैसे वर्क में डिपिक्ट करने की कोशिश की है दोस्तों। जो अनटचेबल वर्क है जेम्स जॉयस और गांधी जी से काफी ज्यादा प्रभावित था अनटचेबल वर्क, और इस अनटचेबल वर्क में जो है ईएम फॉस्टर जी ने प्रीफेस लिखा था। ईएम फॉस्टर जो है उन्होंने अनटचेबल का प्रीफेस लिखा था मुल्कराज आनंद जी के कहने पर दोस्तों, क्योंकि जो ये ईएम फॉस्टर थे दोस्तों ये इनके काफी अच्छे मित्र भी रहे हैं दोस्तों। जो अगला पॉइंट है ये यही है कि ये अनटचेबल वर्क क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अनटचेबल वर्क वो प्रभावित थे अपने एक इंसिडेंट से बचपन में दोस्तों। उनका एक इंसिडेंट था, वो इंसिडेंट ये था कि जो उनकी आंट थी, आंट ने मुस्लिम किसी परिवार के साथ उन्होंने फूड शेयर कर लिया था, और उसे फूड शेयर करने की उन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई थी कि उन्हें घर से निकाल दिया गया था। बाद में वो उनकी डेथ भी हो गई थी एक्चुअली में। तो ये जो इन सारी प्रॉब्लम्स को मुल्कराज आनंद जी ने देखा, तो उन्होंने अपने अनटचेबल वर्क में डिपिक्ट करने की दोस्तों कोशिश की है। और दोस्तों इन्होंने जो अनटचेबिलिटी के सिस्टम को ख़त्म करने के लिए दो सॉल्यूशन भी इसमें देने की कोशिश की है, और पहला सॉल्यूशन ये है कि लोग क्रिश्चियनिटी को अपना लें, क्योंकि वहाँ पर जाति धर्म इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे वो लोग। और दूसरी बात जो रहेगी वो मशीन इनकी जगह पर कार्य करें। देखिए जैसे कालीनाथ जैसे करेक्टर मैंने आपको बताया ही कि वो मोलेस्ट करना चाहते हैं सोहिनी जो उनकी बहन है भाखा की, उसको मोलेस्ट करना चाहते हैं, और उधर उनको अछूत भी मानते हैं। तो ये जो दोगलापन है समाज का, इन सारी चीजों को इसमें डिपिक्ट करने की कोशिश की है दोस्तों। जो उनका अगला वर्क है जो काफी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं, वो है दोस्तों कूली। जो कूली वर्क है वो 1936 में आया था, और इसमें एक्चुअली में उन्होंने जो कास्ट सिस्टम है उस कास्ट सिस्टम को दिखाने की कोशिश की है दोस्तों। ये कास्टिज्म पर एक बेहतरीन प्रहार है कूली जैसा वर्क। ये मुन्नू इसमें जो करेक्टर है वो जो है केवल 14 साल का है, और वो काम करता है किनके लिए, बाबू नाथूराम के लिए और प्रभु दयाल के लिए दोस्तों। दो लोगों के लिए वो काम करता है, प्रभु दयाल हैं और बाबू नाथूराम, इन दोनों के लिए उन्होंने वो कार्य करता है। और बाद में इनके अलावा वो फिर काम करता है मिसेज मेन वायरिंग्स के लिए, मेन वायरिंग्स के लिए भी दोस्तों वो काम करता है, और अंततः उसकी डेथ हो जाती है, बीमार हो जाता है वो, किससे, ये जो मेन वेयरिंग के लिए जो काम करता है तो वो उनका रिक्शा खींचने का काम करता है दोस्तों। उस टाइम पे ये प्रचलन था कि लोग दोनों हाथों से रिक्शा पकड़ करके, जो भी मतलब ये अरिस्टोक्रेटिक बड़ी सोसाइटी के लोग बड़े मतलब थोड़ा धन समृद्ध रहते थे, वो लोग रिक्शे, ये नहीं था कि इस टाइप के रिक्शे रहे हों जो पहिए वाले, वो पकड़ करके चलाने वाले थे दोस्तों उसमें, तो उसी में खींचने का ये कार्य करता था मुन्नू जो है। और बाद में इसकी डेथ हो जाती है टीबी हो जाने से दोस्तों। तो इसमें उसने जीवन भर कार्य किया, जीवन भर काम करता रहेगा, जब तक जिंदा रहा उसने तब तक कार्य किया, लेकिन बेनिफिट उन्हें कुछ नहीं मिलता, और उसी तरह उनकी कंडीशन और सोसाइटी में जो उनका स्टेटस है वो कभी डेवलप हो ही नहीं पाता। तो ये जो दोस्तों कूली जो नॉवेल है इनका, ये कास्ट सिस्टम पर आधारित है, और इसमें सोशल स्ट्रक्चर की दोस्तों उन्होंने बात की है, पावर्टी और एक्सप्लॉयटेशन जैसे सब्जेक्ट्स पर उन्होंने बात की है, और मुन्नू इसका जो है प्रोटैगनिस्ट जो है मुन्नू है दोस्तों। अगले हम पॉइंट पर आते हैं, और अगले पॉइंट पर एक और नॉवेल को हम देख लेते हैं जिसमें इन्होंने बेहतरीन कुछ सामाजिक समस्याओं को दिखाने की कोशिश की है।
एक वर्क है इनका दोस्तों गौरी, जो 1960 में आया था। गौरी का जो सब टाइटल है दोस्तों द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, गौरी का ही ये मतलब एक दूसरा नाम है उसी नॉवेल का। 1960 में दोस्तों ये नॉवेल पब्लिश हुआ, और इसमें जो कहानी है एक्चुअली में वो मिथिकल बैकग्राउंड के साथ है, और जो ये मिथिकल बैकग्राउंड है वो लिया गया है दोस्तों रामायण से, और रामायण की मिथ को इसमें दिखाया गया है दोस्तों। कैसे मैं बताता हूँ आपको, इसमें जो है गौरी नाम का जो करेक्टर है उसकी जो है शादी हो जाती है पंछी से, और उनकी जो मदर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ और उनका जो हस्बैंड है पंछी, ये दोनों लोग उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी जब काफ़ी हद तक चलता रहता है गौरी का एक्सप्लॉयटेशन पंछी और उनकी मदर इन लॉ के द्वारा। वो जब गौरी जो है मिलती है कॉलोनल महेंद्र से, महेंद्र जी से जब मिलती है तब वो समझ पाती कि एक्चुअली में उसकी वैल्यू क्या है और लाइफ की वैल्यू क्या है, इन सारी चीज़ों को वो समझने की कोशिश करती है। इसी के बीच में दोस्तों जो पंछी उनके हस्बैंड रहते हैं गौरी को जो है बेच देते हैं एक लस्टी साहूकार के साहूकार को। दोस्तों जब इनके जो पति रहते हैं पंछी, तो वो इनको बेच देते हैं दोस्तों एक लस्टी साहूकार को, बहुत ही ज़्यादा लस्टी व्यक्ति है वो साहूकार को, और उसको जब गौरी को बेच देते हैं तो गौरी किसी भी तरीके से अपने आप को बचा करके, कोशिश करके बचा करके जब वो आती है वापस आ जाती है अपने विलेज आती है, जब वो गौरी साहूकार से बच करके दोस्तों, और वो अपने पति की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करती है, तो बल्कि घर वाले उस पर उल्टा ब्लेम लगाते हैं, और इसका जो पति रहता है पंछी वो कहता है कि तुम हमको अपनी पवित्रता का सबूत दो, और ये पवित्रता का जो सबूत है वो रामायण पर, जैसे कि भगवान राम ने सीता के लिए कहा था उसी टाइप से दोस्तों ये कुछ डिपिक्शन है। यहाँ पर ही मिथिकल बैकग्राउंड है इस नॉवेल का। तो गौरी एक बेहतरीन नॉवेल है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों अगले पॉइंट्स पर आते हैं हम। गौरी जो सिंबलाइज करती है सीता को, मैंने बताया ही था ना कि ये चेस्टिटी को प्रूव्ड करने के लिए सीता को, जैसे कि चेस्टिटी को प्रूव्ड करने के लिए सीता को राम ने कहा था, उसी तरीके से इनके जो पति हैं पंक्षी, तो वो भी गौरी को अपनी पवित्रता प्रूव्ड करने के लिए कहते हैं, बल्कि खुद ही बेच देते हैं एक साहूकार को, लेकिन समाज में अपने अपना स्टेटस, अपनी ऊँची शान दिखाने के लिए ये झूठी फितरत को दिखाते हैं। दोस्तों अगले पॉइंट्स पर हम आते हैं। द सोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन अनटचेबल इज द यूज ऑफ मशीन। मैंने दोस्तों बताया ही कि जो अनटचेबिलिटी में सोल्यूशन दिया गया है वो यूज ऑफ मशीन या तो फिर क्रिश्चियनिटी को अपना लो, इस बात पर बात की गई है दोस्तों। अनटचेबल जो वर्क है दोस्तों, ये मैंने बताया था कि 1935 में पब्लिश्ड हुआ था। लाखा भाखा और मोहिनी और कालीनाथ पंडित जी ये इनके मेन करेक्टर हैं। अगले हम पॉइंट पर आते हैं। गंगू नाम का दोस्तों करेक्टर है, जो गंगू वो टू लीव्स एंड अ बड में आता है। टू लीव्स एंड अ बड जो इनका नॉवेल है, उस नॉवेल में टू लीव्स एंड अ बड नॉवेल में ये आता है। टू लीव्स एंड अ बड जो है 1937 में पब्लिश हुआ था, और ये डील होता है हार्डशिप ऑफ ए फैमिली फ्रॉम हसीरमपुर, जो एक पंजाब का एक इलाका है उसमें, और ये असम टी के जो मतलब एक्चुअली में जो टी प्लांट है वहाँ पर लोगों की पुअर कंडीशन को, पैथेटिक कंडीशन के डिपिक्शन को दिखाता है टू लीव्स एंड अ बड। अगला दोस्तों जो पॉइंट है वो हमारा है कि भीखू नाम का जो करेक्टर है, भीखू नाम का करेक्टर दोस्तों ये द रोड में आता है। भीखू नाम का करेक्टर जो है द रोड से लिया गया है दोस्तों। और अगले पॉइंट्स पर आते हैं हम आगे। आनंद एक्सेप्ट दैट टू लीव्स एंड अ बर्ड इज ए मोस्ट बिटर नॉवेल। आनंद ने खुद, जो मुल्क राज आनंद जी हैं आपके, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है इस बात को कि टू लीव्स एंड अ बर्ड जो है ये मोस्ट बिटर नॉवेल है, बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक नॉवेल है, क्योंकि इसमें जो कंडीशन असम के चाय के बगानों में लोगों की दिखाई गई है, पुअर कंडीशन, पुअर पीपल्स की कंडीशन को, उस पर आधारित एक दोस्तों नॉवेल है जो 1937 में पब्लिश हुआ था। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है मॉर्निंग फेस डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। मैंने इसके बारे में पहले भी बता दिया है आपको कि दोस्तों जो मॉर्निंग फेस इनका जो मॉर्निंग फेस जो इनका वर्क है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था, और इसमें इन्होंने बात की है प्रॉब्लम की, वो भी कश्मीरी जो इनहेबिटेंट्स हैं उनके प्रॉब्लम्स की बात को, मतलब उनकी प्रॉब्लम्स के साथ ये जो है नॉवेल आपका डील होता है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। मॉर्निंग फेस में जो है तीन पार्ट हैं। ये जो मॉर्निंग फेस मैंने अभी बताया आपको कि ये जो मॉर्निंग फेस वर्क है इनका, तो इसमें तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट्स, पहला पार्ट है इसका सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट्स, और दूसरा पार्ट है द प्रिजन, और दोस्तों तीसरा पार्ट है
रेजिमेंट, यानी कि दोस्तों ये तीन पार्ट में डिवाइड नॉवेल है, और इस नॉवेल का सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट्स पहला पार्ट है, द प्रिजन दूसरा पार्ट है, और रेजिमेंट दोस्तों इसका तीसरा पार्ट है। अगले पॉइंट्स पर हम आते हैं दोस्तों, टू लीव्स एंड अ बर्ड डिस्क्राइब्स द प्लाइट ऑफ लेबरर्स इन असम टी प्लांट्स। मैंने बताया कि टू लीव्स एंड अ बर्ड जो 1937 में दोस्तों ये पब्लिश हुआ था, और इसमें उन्होंने बात की है लेबरर्स की, जो मतलब टी प्लांट्स में लेबरर की जो प्लाइट है, पैथेटिक प्लाइट है, उसके बारे में दोस्तों इन्होंने, मुल्कराज आनंद जी ने बात की है। दोस्तों इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में, और हम बात करेंगे फिर अब अमेरिकन पोएट्स के बारे में, राइटर्स के बारे में और ड्रामेटिस्ट्स के बारे में जो आपके रिमेनिंग रह गए हैं। दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक कमेंट करें और एक शेयर जरूर करें।